हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक सवेयर। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोनाई के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एजुकेशन और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी कॉलेज का रिव्यू की इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोनाई हमें कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोनाई हमें सिर्फ एक ही कोर्स ऑफर करता है जिसका नाम है बीएससी एग्रीकल्चर, जिसकी इंटेक कैपेसिटी है 180 और ओनली वन मोड ऑफ एडमिशन जो है वो एमएससी सीईटी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन दी जाती है। फ्रेंड्स, इसके हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 14,000 रुपीज़ पर ईयर की इसकी हॉस्टल फीस है। 1 बॉयज़ हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। एक रूम में आपको 3 पार्टनर रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। और हॉस्टल पे यहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटीज़ है और जो भी मेन फैसिलिटीज़ होती है वो सभी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की है फ्रेंड्स। और इस कॉलेज का जो पूरा कैंपस है वो 120 एकर्स का कैंपस है फ्रेंड्स। और पूरा का पूरा जो कैंपस है यहाँ पे क्लीन रखा जाता है फ्रेंड्स। और फैसिलिटीज़ जो है ये कॉलेज हमें सभी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और लाइब्रेरी है यहाँ पे जो कि 9 सुबह 9 बजे से 5 शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है। रीडिंग हॉल है, कैंटीन है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 80 से 85% में आपको अगर परसेंटेज है 80 से ऊपर मान लो तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है फ्रेंड्स। और फीस की अगर हम बात करें तो ओपन की 42,000 है, ओबीसी की 42,000 है, सेमी है और एससीएसटी की 9,000 है। बट फीस जो है फ्रेंड्स वो फर्स्ट सेमेस्टर की है, सेकंड सेमेस्टर को आपको अलग से पेड करना पड़ेगा। फीस थोड़ी ज़्यादा है बस, बट कॉलेज भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वेल मेंटेन ग्राउंड है, जिम है, रैगिंग तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है और ICR के मैचेस भी यहाँ पे होते रहते हैं फ्रेंड्स। और इसका लोकेशन अगर हम आप जानना चाहते तो राहुरी से 25 किलोमीटर है और अहमदनगर से 40 किलोमीटर है और शनि शिंगणापुर जो कि शनि महाराज का गांव है वहाँ से 6 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से शनि शिंगणापुर बहुत ही पास में ही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन